नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल न्यू अपकमिंग बजाज प्लेटिना 125 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी 125 सीसी सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है और सभी कंपनियाँ अपनी 125 सीसी बाइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। जैसे कि बजाज ने हाल ही में अपनी NS125 को लॉन्च किया है, लेकिन NS125 की प्राइस 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसे में बजाज अपनी 125 सीसी सेगमेंट की सबसे चीपेस्ट बाइक के तौर पर प्लेटिना 125 को काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस बाइक की सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve एयर कूल BS6 FI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा 12 BHP के अप्रॉक्स पावर और 11 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी और इसमें आपको 5-speed का गेयरबॉक्स भी देखने को मिलेगा। तो ये बाइक यहाँ पर डेली कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। बात कर लें अगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक प्लस सिंगल चैनल ABS, इसमें आपको ABS ही देखने को मिलेगा क्योंकि आपको प्लेटिना 110 में भी ABS देखने को मिलता है, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बात कर लें अगर इसकी माइलेज के बारे में, तो इससे आपको सिटी में देखने को मिल जाएगा 60 से लेकर 65 KMPL तक का माइलेज, वहीं आपको हाईवे में देखने को मिल जाएगा 65 से लेकर 70 KMPL तक का माइलेज। तो इस बाइक से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के मॉडल के बारे में। तो इस बाइक का मॉडल आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प और LED DRL, रियर में LED टेल लैम्प, लेकिन इंडिकेटर्स अभी भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको इंजन किल स्विच भी देखने को मिलेगा। इसके टैंक पर आपको टैंक काउल और नीचे की साइड में अब आपको इंजन काउल भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो प्लेटिना 125 की एक्सट्रीम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 70,000 रुपीज़ से लेकर 75,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। अगर ये बाइक इस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है, तो ये बाइक यहाँ पर इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। और अगर आप लोग यहाँ पर कम प्राइस में 125 सीसी सेगमेंट में कोई डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक परचेज़ करने की सोच रहे थे, तो आप लोग इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको इस ईयर के एंड तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।